यहाँ से हम लोग चुने कासिम भाई, रोहित भाई, गौतम भाई उस्ताद है और यहाँ पे भी बात कर रहा है जितना भी YouTube क्रिएटर कलेक्टिव, ये है हैशटैग। प्रिया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि हम सब बिहार पटना में एक जगह आज एकत्रित हुए हैं, ठीक है ना। सौरभ जी, आप कितना दिन से YouTube में काम करते हो? 5-6 साल हो गए। आपका जो YouTube चैनल है, कितना साल पे आपने ओपन किया था? ये 2018 से मैंने काम करना शुरू किया। 2018 से? वाह। मेरा नाम मिर्जा दानिश है, मैं भागलपुर बिहार से हूँ और आज YouTube का क्रिएटर इवेंट्स था, काफी मजा आया। आप जैसे क्रिएटर्स के साथ मिल करके कोलैबोरेशन करके बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल रहा। मेरा नाम सलोनी सिंह है और मेरे चैनल का नाम भूखी दुनिया है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। जी सर, मेरा नाम राम अवध सिंह यादव। मेरा नाम शोभा कौर है। और ये कौन है? ये मेरी डॉटर है। अच्छा। हर यूट्यूबर को एक बैग दिया जाएगा, ये जो बैग है ना, यूट्यूब का लोगो रहेगा दोनों साइड पर, आप लोग देख लीजिए। एक फ्लास दिया जाता है। दोस्तों, सभी यूट्यूबर भाई के लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि एक इवेंट होने वाली है। इवेंट जो होगा, अपने अपने क्षेत्र में आप लोग जा सकते हैं। जैसे कि हमारे क्षेत्र में एक जगह है कोलकाता और एक पटना, तो लगभग दोनों ही होता है, हम लोगों का किलोमीटर हिसाब से एक ही होता है। 13 तारीख को है, पटने पर इवेंट है। यूट्यूब की तरफ से काफी लोग आने वाले हैं, काफी यूट्यूबर लोग आने वाले हैं और खास करके जितना भी हम लोग बाइक रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, सब एक साथ पटना में हम लोग जाएंगे, वहाँ इंजॉय होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी भी यूट्यूब इवेंट में शामिल होना चाहते हो तो क्या क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा और पूरा प्रोसेस भी आप लोगों को बताऊंगा। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ जाकर आप लोग एक फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे? अपना यूट्यूब चैनल का जो ईमेल आईडी है वहां देकर आप लोग यानी कि फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कुछ दिन वेट कीजिए, उसके बाद यानी कि आपके पास कंफर्म मेल आएगा और बोला जाएगा कि आपका कंफर्म रेडी है। फिर कुछ दिन बाद आपको कॉल भी आ सकता है या कंफर्म मेल आ सकता है। अब कहाँ जाना है, किस होटल पे आप लोगों को ले जाएगा, वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्या क्या वहाँ होता है, कितने काफी सारे यूट्यूबर आता है, सब वीडियो शूट करेंगे और आप लोग वीडियो के जरिए से आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पटना आ चुकी हूँ और ये जो जगह है गौतम भाई का दुकान है, शॉप, यहाँ बैठा हूँ। और देखिए, खजूरी भाई है, कासिम ऑटो है, इसको तो आप लोग जानते हैं, तीनों आदमी अभी हम लोग बैठा है। और ये है गौतम भाई, बहुत ही अच्छा मैकेनिक है और इसका सेटअप मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ हम लोग रुकेंगे और यहाँ से हम लोग जाएंगे इवेंट। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग थोड़ा आराम करेंगे, करने के बाद थोड़ा यहाँ बातचीत करने के बाद हम लोगों का 1 बजे हम लोग को जाना है और चारों आदमी यहाँ से जाएंगे और फिर मैकेनिकल टेक्निकल हिंदी भी आने वाले हैं और रोहित भाई भी आने वाला है। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम लोग निकलते हैं क्योंकि काफ़ी सारे दूर जाना है और थोड़ा हम लोग यहाँ से आराम करके निकल जाएंगे। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग निकल गए और ये जो रास्ता है और पटना के हाईवे है, तो यहाँ से अगर हम लोग जाए तो जल्दी पहुँच जाएँगे।
तो दोस्तों बाइक का जो हीरो होता है, बाइक मैकेनिक, सब यहाँ मौजूद है। देखो कासिम भाई, रोहित भाई, गौतम भाई और यहाँ दानिश भाई को तो आप लोग जानते होंगे, सबका बड़ा उस्ताद है और गुरु है। और यहाँ खजूरी भाई है। अभी हम लोग यानी कि जो रॉयल होटल है वहाँ हम लोग जस्ट पहुँचा, तो अभी हम लोग जाएंगे। और जो और भी कैटेगरी के जो यूट्यूबर है काफी सारे, सब वहाँ मुलाकात करेंगे और बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आप लोग जुड़ा रहिए। तो दोस्तों यानी कि आप लोगों ने देखा यहाँ काफ़ी सारे यूट्यूबर का भीड़ लगा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है और एक दूसरे के साथ यानी कि बात कर रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी दूर दूर से लोग आया हुआ है। एक इवेंट हम लोग का ख़त्म हो गया है और दूसरा इवेंट जो है अभी चालू होने वाला है। तो अभी हम लोग जाएंगे 2 नंबर इवेंट पर, वहाँ अभी रजिस्टर करना पड़ेगा और यानी कि बात करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर का जो नज़ारा है। देयर रॉयल बिहार यह होटल है और खास करके यहाँ चुना गया है जो पटना के जो इवेंट बनाने वाले थे और ये जगह को सिलेक्ट किया है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। अभी हम लोग गेट के सामने हूँ और हम लोगों का इवेंट अभी चालू होने वाला है और एक इवेंट तो आप लोगों को बताया जो ख़त्म हुआ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग होटल के अंदर आ चुके हूँ देयर रॉयल बिहार होटल पर और काफ़ी यूट्यूबरों का अखाड़ा लगा हुआ है और जितना भी सारे आप लोग देख रहे हैं सारे के सारे क्रिएटर है। कोई टेक वीडियो बनाते हैं, कोई टेक्निकल वीडियो बनाते हैं, कोई कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, सब यानी कि वीडियो बनाते हैं, सब यूट्यूबर है। और भी ये जो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब क्रिएटर कोलाबरेशन जो फ़ोटो है यहाँ सब फ़ोटो खींच रहा है, सेल्फी खींच रहा है और पूरा इंजॉय कर रहा है। और दोस्तों ये देखिए एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है यानी कि 10 मिलियन की जैसा और ये यानी कि कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। जब इसके साथ मुलाकात किया तो बहुत अच्छा लगा और काफ़ी लोग इसको जानते हैं, पटना के रहने वाले हैं। तो हम लोग जितना भी है सब यूट्यूबर इससे सेल्फी लिया और सेल्फी लेने के बाद एक दूसरे से बात किया। तो दोस्तों और भी आप लोगों को मज़ा होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में एक्सिप मत कीजिए और पूरा वीडियो देखिए क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हम लोगों को गिफ्ट देने वाला है और काफ़ी खाना मिलने वाला है और काफ़ी हम लोगों को इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग क्या करें, यहाँ से हम लोग रजिस्टर करेंगे और एक दूसरे से भी बात कर रहा है जितना भी यूट्यूबर है। यहाँ भी देखेंगे, देखने दीजिए ना, तब रोहित अरे ले रही है ना, नहीं दे बोले। तो दोस्तों फाइनली हम लोग होटल के अंदर आ चुके हूँ और यहाँ आने के बाद यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही खास करके अच्छा लग रहा है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। थोड़ा उठा लीजिए ना ये सब, उठा लीजिए फोटो, उठा लीजिए। तो दोस्तों दानिश भाई फोटो खींच रहा है और क्रिएटर लिखा जो है और यहाँ आप लोग देख रहा है यूट्यूब की तरह से जितना भी लोग आएगा इसको गिफ्ट दिया जाएगा, लाइटिंग की तरह काम करेगा रात के वक्त। तो ये सब रखा हुआ है हम लोगों के लिए। यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव ये है हैशटैग और किसी भी सोशल मीडिया पे आप कोई भी पोस्ट वीडियो कुछ भी डालेंगे तो आपको यूट्यूब क्रिएटर इंडिया का हैंडल भी टैग करना है। ये दो काम आप करेंगे चलेगा, दौड़ेगा तो पूरा हॉल आपका है, कहीं पे भी अच्छा सा कॉन्टेंट शूट करो, यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस बनाओ। हाय दोस्तों अभी हम लोग बैठा हुआ है और सब जाएगा चाय पीने के लिए, तो एक साथ अगर हम लोग सब चल जाएंगे तो क्या होगा, भीड़ हो जाएगा। तो दो दो जो टेबल होता है वो लोग इस तरह से जा रहा है और थोड़ा एंजॉय सब कर रहा है। देखो सब क्रिएटर बैठा हुआ है।
तो दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे कॉफी पीने के लिए और जीवन के बहुत सारे समय मैंने यही बिताए। पटना तो मेरा सपना होता था कि लोग कहते थे कि मैं पटना आता हूँ, वहाँ जिम करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो हम लोग सोचते थे कि काश कभी हम लोग पटना जाएंगे, लेकिन आज हम सब खुद की मेहनत की वजह से आज यहाँ पे हैं। थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, पटना से हमें इतना प्यार आ रहा था तो यूट्यूब ने सोचा चलिए बोरिया बिस्तरा बांधते हैं और चलते हैं पटना। और पहली बार क्रिएटिव कलेक्टिव इवेंट हो रहा है यूट्यूब का पटना में, तो इंट्रोड्यूस किया अपने चैनल को, इंट्रोड्यूस किया, फिर इन्होंने जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा उसका रैपिड फायर आंसर देंगे। आर यू गाइस रेडी? और हम ये गिफ्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दो बेस्ट विनर्स ढूंढेंगे, इनमें से जिनका सबसे अच्छा आंसर लगा या कहते हैं ना प्रेजेंटेशन जिसका अच्छा लगा वो हमारे चैंपियंस विल डिसाइड कि वो दोनों विनर्स कौन होने वाले हैं। तो स्टार्ट करें, तो क्यों ना हम हमारे चैंपियंस से स्टार्ट करते हैं। मैं यहां टॉस करूंगी और आप इनसे क्वेश्चन पूछो। परफेक्ट, स्टार्ट करें। या यू गो, दिस इज द माइक, आप इसमें भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले आप अपना चैनल का नाम और आपका कौन है थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, रूल्स आर रूल्स। मेरे चैनल का नाम प्रोडी दिया, मैं फैशन और ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट बनाती हूं विद इंटरेस्टिंग। ग्रेट, सो क्वेश्चंस अब मेरी बारी है क्योंकि मुझे पूछना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होने क्या था पूछ मैं लेता हूं जी। आपकी अब तक की सबसे पॉपुलर वीडियो कौन सी रही है? सबसे पॉपुलर वीडियो मैंने अपने भाई के, सबसे पॉपुलर वीडियो जो मैंने अपने भाई के साथ बनाया था, एक्चुअली एलियंस डू माय मेकअप, एंड वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया। बिल्कुल जी, मेकअप दादा तो सबको पसंद आता ही है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब आप स्टार्ट में यहां से करते हैं, लेफ्ट साइड से पास करिए किसी को।
धक्का मुक्की नहीं, वेरी गुड जी, पहला रूल कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, जिसके पास आ गया वो पकड़े जी। खड़े हुई अपना नाम, अपने यूनिट चैनल का नाम। मैं हरिकृष्ण प्रकाश साहित्य आजकल से जी। क्या कॉन्टेंट बनाते हैं सर आप? हमारा कॉन्टेंट सबसे पहला साहित्य के लेकर है, और फिर जो है कि जितने ज्वलंत मुद्दा होते हैं, जो तमाम जन 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 के समस्याएं होते हैं उनको उठाता हूँ। ग्रेट। तो सर कितने टाइम से आप कॉन्टेंट बना रहे हैं? 2020 से। 20 से। फेवरेट क्रिएटर आपके कौन रहे हैं? आप ही हैं सर। बहुत बढ़िया। सवाल मैं पूछ लूं? ओके, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि सर अगर आपको आपके चैनल के बारे में वन वर्ड वन सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो, लोगों को बताना हो, जिससे कुछ यहाँ के भी क्रिएटर्स आपको सब्सक्राइब करें, क्या बताएंगे सर इनको? क्या है आपका चैनल? मेरा चैनल एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन में क्या? एजुकेशन में कैसे बने, किसी चीज की तैयारी अगर करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर सकते हैं इसके बारे में। इस पे हमारे चैनल पे टॉपर्स का इंटरव्यू भी होता है, तो अगर आप किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है यहाँ पे यंगस्टर ही देखने को मिल रहा है, और कोई ना कोई लोग ये सारे यंगस्टर जॉब वाले हैं, यूट्यूब पे नौकरी पे लगे हुए हैं जी। ज्यादातर लोग जो है यहाँ पे पैसे कमाने के जरिए से यूट्यूब पर चला रहे हैं, भले ही अलग बात है कि अपने चेहरे को भी दिखा रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, लेकिन जो मेन सोर्स होता है वो इनकम ही होता है। तो मेरा कहना यही है कि जिन लोगों को अगर लगता है कि वो कुछ ना कर सकते हैं, तो एक बार हमारे चैनल को विजिट करें, टेक्सपेयर चैनल का नाम है, वो यहाँ से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो गेम हो रहा है, एट द एंड ऑफ द सेशन जब ये गेम कंप्लीट हो जाएगा, हम दो लोगों को विनर भी बनाएंगे और उनको गिफ्ट मिलेगा, तो एक्साइटमेंट आंसर देने हैं। ओके, नेक्स्ट वन। यहाँ से कौन जाता है? यहाँ से कौन जाता है? कौन कौन जा रहा है पर? चलिए यहाँ पे तीन सवाल दिख रहे हैं योगी को। ओके, बड़े-बड़े अपने नाम, अपना यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डेविड एक्टर हुआ और यूट्यूब चैनल का भी नाम डेविड एक्टर है, और मेरा कंटेंट एंटरटेनमेंट है। लेकिन आप तो बड़े ऐसा दिख रहे हैं। सर आप वही बैठे रह गए। थैंक यू सो मच। इज अ जोक पार्ट ऑफ क्योंकि एंटरटेनमेंट का है यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम क्रिएटर आपस में यूनाइट हो पाए और एक दूसरे से नेटवर्क बनाए। आज हम यहाँ पे आए हैं यूपी बिहार में अलग अलग जगहों से, राइट? शाम को बंद होते होते क्या लेके जाएंगे? एक तो दोस्त बना के जाएंगे, है ना? तो मैं पूछूंगा एंड में किसने दोस्त बनाए। ओके, नेक्स्ट वन प्लीज। ओके, नेक्स्ट वी गो यहाँ पे। वन टू थ्री। अरे यार, धक्का मुक्की नहीं करना, धक्का मुक्की नहीं करना। आराम से। देखिए रूल नंबर वन था धक्का मुक्की नहीं करना, ठीक है? तो फाइनली साइड वाले भैया को मिल गया, उन्होंने बड़ी मेहनत करके डब्बा पकड़ा है। तो जल्दी से अपना नाम, अपना यूट्यूब चैनल। मैं सर को देना चाहता हूं। अच्छा, पास अप कर दे दीजिए थोड़ा। हेलो एवरीवन। हेलो। सबसे पहले तो YouTube को थैंक्स करना चाहेंगे कि इतना बढ़िया इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और सारे क्रिएटर्स को एक मंच पे लेके आए हैं,
क्योंकि बहुत से लोगों से जान पहचान भी हो पा रही है जो की बहुत अच्छा लग रहा है। मोस्टली क्या होता है कि हम लोग जिस कैटेगरी के होते हैं ज्यादा उन लोगों से ही पहचान हो पाती है, चाहे मेल के थ्रू में हो व्हाट्सएप के थ्रू, बट अच्छा लग रहा है कि बाकी कैटेगरी के लोग भी मिल पा रहे हैं। वैसे मेरा नाम तो मोहम्मद दानिश और चैनल का नाम है मैनेजमेंट टेक हिंदी। मैं जो कॉन्टेंट बनाता हूँ वो रहता है ऑटोमोटिव, बेसिकली टू व्हीलर्स के ऊपर में, बाइक एंड स्कूटर की सेफ्टी, मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी, कंपैरिजन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे चैनल पे वीडियो बहुत लोगों ने देखा भी अगर होगा, क्योंकि 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर वहाँ पे है, जो कॉन्टेंट रहता है बहुत यूनिक रहता है, यूनिक इन द सेंस ऑफ डेली लाइफ। यानी कि एक बंदा जिसके पास अगर बाइक है तो अगर इंजन खराब होता है तो उसको कोई मतलब नहीं, वो तो मैकेनिक के पास चला जाएगा। बट अगर वो हमने कोई नॉर्मल बेसिक चीज जानना है, फॉर एग्जांपल स्पार्क प्लग कब चेंज करें, टायर में कितना हवा रखे, माइलेज कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मैकेनिक कैसे बेवकूफ बनाते हैं, तो मेरा टारगेट वही रहता है कि मैं कुछ यूनिक करने को चुना चाहूँ जो लोगों को डेली लाइफ में फेस करते हैं अलग अलग। तो वही सर मेरा सवाल आपसे ये है, इतने सब्सक्राइबर आपके चैनल पर कमेंट्स आते हैं आपके पास, कोई एक ऐसा फनी कमेंट आया हो जो पढ़ने के बाद बड़ी हंसी आई हो आपको? सर हंसी वाली बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बताना चाहूंगा कि चैनल मैंने 2017 में स्टार्ट किया था, उस टाइम यूट्यूब थोड़ा जल्दी करते हैं सर, बहुत सारे और भी लोग हैं, तो एक बार फनी कमेंट के बारे में बताइए जी। सबसे फनी कमेंट जो आया था, मैंने एक प्रॉपर माइलेज टेस्टिंग करके दिखाया था और लोग जो कमेंट कर रहे थे कि सर आप बेवकूफ बना रहे हो, तो मुझे देख के ये लगा कि भाई इतना मेहनत कर रहे, कॉन्टेंट कर रहे, बट बेवकूफ नहीं बना रहे। तो मोस्टली पॉजिटिव कमेंट, किसी ने आपसे पूछा नहीं कि बिना हवा के गाड़ी कैसे चलाए, ऐसे सवाल आए नहीं कभी? अगर वेरी नाइस, इस तरह का एक कमेंट था मेरे चैनल पे, उन्होंने कहा सर पानी डाल के बता दो कैसे चलाए। ये पानी का मेंटा, नेक्स्ट वन प्लीज। ओके आगे पास ऑन करिए, हियर वी गो। अब आएंगे हम थोड़ा सा पीछे, हमारे बैक पैक चल, आर यू गाइस रेडी? ओके अपना नाम और अपना YouTube चैनल। नमस्ते गाइस, मेरा नाम शांतनु चौधरी है, मैं बाइक्स वे चैनल का होस्ट हूँ, मैं दरभंगा बिहार से हूँ और मैं बिहार का फर्स्ट यूट्यूब ब्लॉगर हूँ जी। अच्छा, वो कब से है आपका चैनल? 2017 से। ओके, सबसे वायरल वीडियो कौन सी रही? सबसे वायरल वीडियो एक चेंज के लिए, एक सोशल कॉज के लिए था, पटना ट्रैफिक पुलिस से मेरा एक विवाद हो गया था, जिसके लिए मैंने पटना हाईकोर्ट के सामने और इतना ज्यादा हो गया कि पुलिस मुझे होम अरेस्ट कर कंटेंट।
एनर्जी हमारे प्रीवियस सेशन में यहाँ थी, मुझे लग रहा है एनर्जी यहाँ पे है, तो थोड़ा पीछे वाले तो सो गए, तो लेट्स हैव अनदर राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीपांशी यहाँ पे। एनर्जी कम ऑन, इतना होस्ट करिए, कुछ तो अप्लॉज दो उसको। आगे लोग बैठे हैं, मेरा चेहरा देख रहे हैं, अप्लॉज कम ऑन, यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे आनी चाहिए। 1 2 3 अप्लॉज। तो मेरा नाम कृष्णा है, मैं यूट्यूब के पार्टनरशिप टीम में काम करता हूँ, और मेरा जो जॉब है वो है आप जैसे क्रिएटर्स के साथ बैठ के उन्हें बताना कि वो कैसे अपने चैनल का रीच, एंगेजमेंट और रेवेन्यू बढ़ाए। और मुझे यही खुशी मिलती है कि मुझे अलग अलग शहर जाने मिलता है और आप जैसे क्रिएटर से बात करने मिलता है। तो आज मैं थोड़ी चीजों के बारे में बात करूंगा, पहले रेजोनेट करेगा, उसके लिए मैं थोड़े टिप्स दूंगा, और फिर हम मोनेटाइजेशन की ऑफकोर्स बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा चीयर मैंने सुना कि लोगों को पैसे कमाने हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग चलेंगे, कुछ हमारे यूट्यूबर भाई जो है सब सवाल करेंगे। सर आपका नाम क्या है? सौरभ। सौरभ जी आप कितना दिन से यूट्यूब में काम करते हो? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से। आपका चैनल जो है किस टाइप का है? मेरे कई चैनल्स हैं जिसमें के अलग अलग कैटेगरी भी है, ट्रैवल है, न्यूज है, इन्फॉर्मेशन है, कई सारे हैं। अच्छा, मेन चैनल जो है वो उसमें क्या रिलेटिव आप वीडियो दिखाते हैं? मेरे सभी मेन है, एक पर मैं न्यूज से कंटेंट रिलेटेड चलाता रहता हूँ, एक पर मेरे ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं, और एक पर मेरा इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस होते हैं एजुकेशनल टाइप में वो होते हैं। एक बार आप अपना चैनल का नाम बता दीजिए। इंडियन SRJ, ट्रैवल SRJ, न्यूज SRJ, ड्रोन SRJ आदि। पटना पे जो इवेंट हुआ आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। सबसे पहले आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शफी अहमद है और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है द अकाउंट्स। अच्छा, यानी कि आप जो आपका जो YouTube चैनल है कितना साल पे आपने ओपन किया था? ये 2018 से मैंने काम करना शुरू किया। 2018 से? वाह, यानी कि आपने काफी मेहनत किया। एक साल में छूट गया, अगर मैं एक साल पुराना होता तो आज मुझे भी वहां पर अवार्ड मिल जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सर आप किस रिलेटेड वीडियो बनाते हैं? अकाउंट्स एंड टैक्सेशन। अच्छा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? काफी अच्छा फील होता है और प्राउड फील होता है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अच्छा अच्छा, अपना एक पहचान बना हुआ है। आज जो मीटिंग हुआ पटना पर, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। दोबारा होना चाहिए या बकवास है? होना चाहिए। इसे ये पता चलता है कि अगर आप वर्क अच्छा करते हैं तो कोई आपके काम को अप्रिशिएट कर रहा है, इसलिए करके ये बार बार इवेंट होना ही चाहिए और अपने ही सिटी में होना चाहिए। थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ, धन्यवाद, थैंक यू। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिर्जा दानिश है, मैं भागलपुर बिहार से हूँ। ठीक है, मेरे चैनल का नाम व्लॉग बाई दानिश है और एक मेरा टेक चैनल भी है जिसका नाम टेक्नो मिर्जा है। ठीक है। अच्छा, और आज यूट्यूब का क्रिएटर इवेंट्स था, काफी मजा आया आप जैसे क्रिएटर्स के साथ मिल करके कोलैबोरेशंस करके, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल रहा। ऐसे ही क्रिएटिव इवेंट्स जो है आने वाले समय में भी अगर होते रहेंगे तो हम यूट्यूबर्स को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिलेगा और एक दूसरे को ग्रो करने का मौका साथ में मिलेगा। तो अच्छा, बोलिए यूट्यूब की जय। तो सर मेरा सवाल है, आप भागलपुर से है, कितना किलोमीटर दूर से? 300 किलोमीटर है आसपास। अगर आपको लगे कि भागलपुर में इवेंट हो तो कैसा होगा? देखिए, वो अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो तो वो यूट्यूब के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो स्टेट्स के कैपिटल होते हैं वहां पे किए जाते हैं ताकि सभी लोगों को इक्वली पड़े और सब लोग वो स्टेट कैपिटल्स में इजिली ट्रैवल करके आ सके। बट अगर आप करेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो तो फिर वो पॉसिबल नहीं है हर नहीं। एक चीज के लिए। तो आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? मैंने जैसा कि बताया कि यूट्यूब इवेंट काफी जबरदस्त था और भाई खाना इतना जबरदस्त और इतना लाजवाब था कि आते के साथ स्टार्टर भी दमदार था और अभी डिनर भी लाजवाब और दमदार था। तो भाई ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू हमारे व्यूअर के लिए बोलने के लिए। थैंक यू। भाई के भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलोनी सिंह है और मेरे चैनल का नाम भूखी दुनिया है। आप कितना दिन से यूट्यूब पे काम करते हो? मेरा तो 2-3 साल हो चुका है और 2023 में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और 2024 में
सिल्वर प्ले बटन आया है। तो आप अपने चैनल में क्या रिलेटेड वीडियो दिखाते हैं अपने फ्रेंड्स को? मेरे ऑडियंस या फिर मेरे चैनल पे रेसिपी, फूड रिलेटेड चैलेंज वीडियो, इन सारी की होती है कंटेंट। मैंने सुना आपको एक अवार्ड मिला, किस लिए मिला आपको? मैंने अपने बारे में इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया और मैंने अपने बारे में बहुत अच्छा बताया, मैंने अपने चैनल के बारे में बहुत अच्छा बताया, इसलिए एक अवार्ड मुझे यहाँ पे दिया गया। तो थैंक यू मैम हमारे व्यूअर के लिए बोलने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर गंधर्व हुआ। आप यहाँ किस लिए आया है? अभी जो है क्रिएटर मीटअप था सर यूट्यूब का, इसलिए हम पटना आए हुए हैं। कहाँ से आया है? पटना से ही है सर। आप पटना से है? हाँ सर। आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। ठीक है, बहुत सारे क्रिएटर से मिले जिसको हम यूट्यूब पे देखते थे, उसे डायरेक्ट मिले। आप कितना दिन से काम करते हो? हम लोग तो सर 2019 से कर रहे हैं, अपना कंपनी चला रहे हैं क्रिएटर्स माइंड के नाम से, जिसमें हम लोग टीचर्स को ऐप और वेबसाइट, डिजिटल बोर्ड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश कुमार है। तो आकाश जी आप यहाँ किस लिए आए हैं? अब यहाँ पर YouTube का जो है ना क्रिएटर मीटअप हो रहा था, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे आए थे। और यहाँ आने के बाद जितने भी यूट्यूबर्स हैं बिहार के तमाम जगहों से, उन सभी से मिलने का मौका मिला। और अभी फिलहाल मैं YouTube में बच्चों को, क्लास 12 वाले विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। सॉफ्ट स्टडी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है जिसपे बच्चों को पढ़ाने का कार्य। तो यानी कि आप यूट्यूबर हो? जी बिल्कुल। यानी कि लोगों को वीडियो दिखाते हो, आपके अंदर जो हुनर है आपने आपने दिखाते हो लोगों को? जी। तो मेरा कहना है आप कितना दिन से काम करते हो? हम लोग तो 2019 से ही काम कर रहे हैं। 2019 से और अभी चल रहा है 2000 यानी कि 24, तो लगभग आप 5 साल। 5 साल में आपने क्या महसूस किया? आपने महसूस किया कि हाँ YouTube पे मतलब अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो 5 साल में आपने देखा आप क्या YouTube में लगातार काम? 5 साल में मैंने अपने आप को बहुत बदलते देखा, मतलब बहुत चीजें जो है मेरी जिंदगी में बहुत चीजों का बदलाव हुआ, तो ये सब चीज देखने को मिला। थैंक यू भैया। जी जी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू चाचा। आपका नाम क्या है? जी सर मेरा नाम राम अवध सिंह यादव। अच्छा आप क्या यूट्यूबर हो? जी हाँ। अच्छा आपका उम्र कितना हुआ है? मेरा देखिए 18 जनवरी 1957 का डेट ऑफ बर्थ। अच्छा तो इसके हिसाब से जनवरी आएगी, जनवरी 2025 तो हम 68 कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा अभी रनिंग 68 है। वाव। तो सर आप यूट्यूब में काम करते हैं कितना साल से? ये अभी 2 साल होने वाला है। अच्छा 24 अगस्त आएगा। हाँ तब 2 साल मेरे को होगा। अच्छा यूट्यूब में काम करते हुए। अच्छा तो यानी कि सर आप क्या काम करते हैं? पेड़ लगाते हैं, देश बचाते हैं? हाँ पेड़ लगाते हैं, पेड़ का देखभाल करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम शोभा कौर है। और ये कौन है? ये मेरी डॉटर है। अच्छा तो यानी कि आप यहाँ आया है किस लिए? मैं यहाँ पे ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आई हूँ फ्रॉम धनबाद। अच्छा हाँ। तो आप कहाँ का रहने वाले हो? मैं धनबाद की रहने वाली। अच्छा यहाँ से कितना किलोमीटर दूर? किलोमीटर तो नहीं पता बट हाँ यहाँ से डिस्टेंस। अच्छा यानी कि डिस्टेंस में हो और काफी नजदीक से हो। हाँ जी। तो मैम आप कितना दिन से काम करते हो? मैं 3 साल से हूँ यूट्यूब पे। आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मेरा चैनल का नेम है डिवास ग्लैम बाय शोभा। उसमें आप क्या दिखाते हैं लोगों को? मैं मेकअप और स्किन केयर ब्यूटी से रिलेटेड है मेरे चैनल। अच्छा तो यानी कि दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि मेकअप रिलेटेड आपको कुछ वीडियो चाहिए तो मैम का वीडियो भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैम को, मैम से मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और यूट्यूब में इवेंट पर आया है 2024 में। थैंक यू। थैंक यू। ओके दोस्तों फाइनली हमने क्या किया, इवेंट से आ चुकी हूँ और मेरे पास क्या क्या गिफ्ट आया है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यूट्यूब की तरफ से हर यूट्यूबर को एक बैग दिया जाएगा। ये जो बैग है ना यूट्यूब का लोगो रहेगा दोनों साइड पर, आप लोग देख लीजिए। और इसके अंदर क्या क्या मिलता है देखिए, मैं एक तरफ से निकालता हूँ। तो दोस्तों यूट्यूब की तरफ से सबसे बड़ी बात है ये हम लोगों का जो दिया जाता है पानी का एक फ्लास्क दिया जाता है। यहाँ टेम्परेचर ऑन करने से टेम्परेचर आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ टेम्परेचर आएगा। और तो दोस्तों ये जो है पानी आप लोग रख सकते हैं, गर्म चाय भी रख सकते हैं, कॉफ़ी भी रख सकते हैं। और एक छोटा सा टाइपॉड है, टाइपॉड जो है गाइस ये आप लोगों को दिया जाएगा यूट्यूब की तरफ से। यानी कि आप लोगों को कोई भी आकार बनाना है और इस तरह से रहेगा। ये वाला एक हम लोगों का चार्जर सिस्टम दिया गया है लाइटिंग, और एक USB केबिल, और ये हम लोगों का यूट्यूब का लाइक शेयर बटन दिया गया है इसमें हम लोगों का, यानी कि। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को मिलेगा, है ना। तो आप लोगों को
यहाँ रखने का जगह दिया गया है, आप इसी हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। देखिए लाइट शेयर, और जब हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन फिट करेंगे तो यहाँ जो लाइट है पूरा ब्लिंक यानी कि जलेगा और रात की वक्त देखने में अच्छा लगेगा। तो ये सब सामान जो है हमको मिला है यूट्यूब की तरफ से गिफ्ट। गिफ्ट जो आप लोगों ने देखा, जो काफ़ी सारी जगह पर हम गए थे और होटल भी था हम लोगों का बहुत मस्त, तो आने जाने में सिर्फ हम लोग को किराया लगा है और बाकी जो खाना पीना और जिस होटल में हम लोग का इवेंट हुआ था वो खर्चा वो लोग दिया, और जब हम यहाँ से गए एक होटल हमको लेना पड़ा, रूम लेना पड़ा, रूम में हमने हमारा सिर्फ रूम किराया लगा। तो काफ़ी सारे चीज़ हम लोग को सीखने को मिला और दोस्त मिला। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना सा, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू।